हेलो एवरीबॉडी एंड आई एम नैश विथ यू वंस मोर। मैं नैश बियानी आपका इंग्लिश आम की इस महफिल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आए एक बार फिर हम लोग महफिल लगाएं और अंग्रेजी की कुछ बातें करें। आज हम क्या करेंगे, पिछली दो महफिलों से हमने शुरू किया सिलसिला हमारा सिंपल पास्ट टेंस का और हमने उसके ऊपर कुछ चर्चाएं की। जनरली हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, इसके इस्तेमाल करने के मौके कौन से होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैंने आपको बताया कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ओके, और हमने ये भी देखा कि जब हम दबाव देके बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में वर्ब नंबर वन का इस्तेमाल करते हैं और दबाव दिए बगैर अगर हम बात करते हैं तो हम वर्ब नंबर टू का इस्तेमाल करते हैं, है ना, आपको याद होगा, राइट। आज हम इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव वाक्य बोलने में कभी कभार थोड़ा सा खतरा हो जाता है। खतरा ही नहीं क्या, एक खतरा ऐसा है कि कई लोगों के जहन में ये बात आ जाती है, पता नहीं कैसे, या उनको सिखाया गया गलत है या कहीं उन्होंने पिकअप कर लिया इस तरह से, उन्होंने इस तरह से इसको समझ लिया कि सिंपल पास्ट टेंस में जब भी पॉजिटिव वाक्य बनाया जाए तो उसमें डिड लगाना ही होता है। ये किस तरह से वो लोग बोलते हैं और इसमें क्यों गलत हो जाता है ये हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आपके लिए खुशखबरी है, सभी के लिए हैं लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार हमसे ये दरखास्त की, रिक्वेस्ट किया कि सर आप डीवीडी बनाइए वीडियोस की। वो वीडियो जो हमारे यूट्यूब के ऊपर हैं उन्हीं की डीवीडी बनाने के लिए इन्होंने हमसे गुजारिश की, कई टाइम से करते आए हैं, काफ़ी टाइम से, और मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया था, मैं टाल दिया था इस बात को, लेकिन काफी फोर्स आया स्टूडेंट्स से, ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स बॉडी से, और फिर आखिर में हमने सीरीज बनाई है तो ये सीरीज अब आपको मिल रही है। दिस सीरीज आर द सेम वीडियोज, वही वीडियोज हैं जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, या ऐसा नहीं कि हमने अलग से बनाया, लेकिन इन्हीं वीडियोज के लिए इन्होंने हमसे ताकीद की थी। तो ये पहला हमारा वॉल्यूम है, फर्स्ट सेट, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम नंबर वन में आपको हमारे शुरू से लेकर के 122 आपको वीडियोस मिलते हैं और रेकमेंडेड सीक्वेंस में मिलते हैं। रेकमेंडेड का मतलब ये कि हम आपसे मशवरा करते हैं कि इस सीक्वेंस में इसको आप देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये सीक्वेंस में शायद यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा है और हमारे पास इस तरह का कोई कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम उसको सीक्वेंस में करें। बीच बीच में हम फेसबुक वगैरह के जरिए से और जरिए से व्हाट्सएप वगैरह से हम कुछ RLDs यानी कि रिवीजन लेसन ऑफ द डे इस तरह से आप लोग गाइड करते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड रही और काफ़ी टाइम से रही और मैंने ही उसको टाला रखा था और आखिर में ये कि भाई कुछ लोगों ने बहुत ही इस पर जोर दिया और मैं हार माना,
एक तरह से, और मैंने ये सीडीज बनाई हैं। ओके, फिर बता रहा हूँ, ये यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हैं हमारे, उन्हीं वीडियोस की सीरीज हैं, लेकिन ये एक रिकमेंडेड सीक्वेंस में है। इस सीक्वेंस में देखने से आपको फायदा ज्यादा होता है, आप रैंडमली भी देखें तो कोई बड़ी बात नहीं। इसकी लागत, इसकी प्राइस वगैरह की डिटेल्स के लिए और पेमेंट कैसे होगा और हम आपको इसको पहुंचाएंगे कैसे, इसके लिए आप या तो कॉल करें इस नंबर पर, ये जो यहाँ पर नंबर लिखा है 9819875878, इस पर कॉल करें। व्हाट्सएप अगर करना चाहेंगे तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, और अगर आप ईमेल करना चाहेंगे तो ये ईमेल है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, दैट्स इट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आर महफिल, हमारी महफिल में आज जो हम काम कर रहे हैं वो सिंपल पास्ट टेंस को हम फिर से देख रहे हैं, और मैंने बताया कि एक खतरा है यहाँ पर पॉजिटिव वाक्य में डिड का हर जगह इस्तेमाल करने का। मैं आपसे हिंदी की एक बात पूछूं कि अगर कोई आपसे कहता है कि आज सुबह आपने नाश्ते में कौन सा फल खाया, और आप कहते हैं मैंने सेब तो खाया, तो खलेगा नहीं। या आपसे कोई ऐसा कहता है, आपने किसी को पूछा कि भैया सुबह नाश्ते में आपने फल खाया, बोले हाँ, बोले कौन सा खाया, मैंने सेब तो खाया, तो आप पूछेंगे तो फिर कुछ नहीं, मैंने सेब तो खाया। अच्छा, ये आपके गांव में इस तरह से बातें होती हैं? अगला कहता है समझा नहीं क्या बोल रहा, नहीं आप बोले सेब तो खाया, हाँ सेब तो खाया। आपने किसी से पूछा कि आपने कल शाम क्या किया, और वो कहता है कि मैंने टीवी तो देखा, तो आप कहते फिर, नहीं मैंने टीवी तो देखा, क्योंकि जब वो कहता मैंने टीवी तो देखा तो आप डेफिनेटली ये सोचते हैं कि अभी आगे कोई बात होगी, कि मैंने टीवी तो देखा लेकिन सिर्फ 15 मिनट, मैंने टीवी तो देखा लेकिन कुछ मजा नहीं आया, कोई भी अच्छी सीरियल नहीं चल रही थी कल शाम को, ऐसे बस टाइम पास किया हमने, है ना। वो जब सब कहता है कि मैंने सेब तो खाया लेकिन सिर्फ आधा, या मैंने सेब तो खाया लेकिन ज्यादा कोई मीठा नहीं था वो, है कि नहीं। और इसी चीज को अगर आप अंग्रेजी में देखते हैं तो फिर ऐसे होता है कि आपने किसी से पूछा What fruit did you have with your breakfast this morning? Practice करते चलो, उसमें क्या बताऊँ? What fruit? बोल रहे हैं? हाँ, बोले नहीं? चलिए बोलिए। What fruit did you have with your breakfast this morning? इस प्रकार से breakfast, breakfast. No sir, ज़बानियाँ लाएंगे breakfast. खाने पीने के ऊपर हम एक अलग से महफिल करेंगे, ओके, कि दिन के कौन से मील्स होते हैं, भोजन कौन से होते हैं दिन भर में, और कुछ नॉर्मल खाने की चीज़ों के उच्चार कैसे हो, ऑल दैट वी विल डू इन अनदर महफिल। या भाई इतना से तो कर लीजिए, ब्रेकफास्ट जबान आना है ब्रे। ठीक, अगर आप कि ये ऊपर के दांत मान लो, ये नीचे के दांत मान लो, और जबान आपकी जुबान जो है, जुबान अगर आपकी समांतर रही, ओके ना, तो आपका ए बनता है, ए जैसे ब्रे, ब्रे है ना, और जबान ऊपर गई तो ब्रे। लेकिन यहां पर हमको ए का उच्चार चाहिए, जमा क्या लाएंगे दांतों के पीछे हल्का सा दबा देंगे, ब्रेक, सिदर? ब्रेक। आप दोनों ट्राई करें, ब्रेक ब्रेक। और वैसे भी बी आर ई ए के इस शब्द का, इस लफ्ज का उच्चार जो है, तलफ्ज जो है, वो ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होता है, और एफ ए एस टी इसका उच्चार फास्ट होता है। लेकिन जब ये दोनों वर्ड्स ब्रेक एंड फास्ट दोनों को मिलाते हैं और सुबह का नाश्ता बन जाता है वो एक तरह से, तो वो जो ब्रेक होता है, बी आर ई ए के का उच्चार ब्रेक होता है नॉर्मली, ओके, उसको हम ब्रेक बना देते हैं, ब्रेक नहीं बोलना है, ब्रेक, ओके। और उसके साथ में जो एफ एस टी जुड़ेगा उस टाइम पर वो फास्ट नहीं होकर के फर्स्ट बन जाएगा, ब्रेकफास्ट। चलिए बोलिए, व्हाट फ्रूट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। अभी आपने पूछा व्हाट फ्रूट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, और अगला कहता है I did eat an apple. जब वो बोलता है तो अंग्रेजी में वही चीज हो गई जो हिंदी में हुआ, मैंने सेब तो खाया,
And if he says, I did eat an apple, then you expect he's going to say something moral. I did eat an apple, but it was only half an apple. Or I did eat an apple, but it wasn't very sweet. See that? So, yeh hai. Aur kai logon ke zehen mein ye baat hai. Humne dekha log ki is tarah se bolte hain. Ki jab bhi, jaise humne aur ek misal li, ki what did you do last evening? What did you do last evening? What did you do? 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 What did you do last evening? What did you do last evening? अब आपने पूछा तुमने क्या किया कल शाम. लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम. शाम थी ना. आई बहारों की शाम. आई बहारों की शाम. क्या जाने फिर किसके नाम. आई बहारों की शाम. रफ़ी साहब ने कितने बेशुमार गाने गाए हैं और सारे गाने नगीने हैं मान लो, लेकिन उनमें से ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो खास उभर के आते हैं और मैं समझता हूँ ये एक गाना उसमें से. आई डोंट नो व्हाट मूवी इट इज़ फ्रॉम. आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा. लेकिन बहुत बड़े गाना. सो आपने उनको इतना पूछा कि कल शाम तुमने क्या किया. व्हाट डिड यू डू लास्ट इवनिंग. और अगर देखिए लास्ट इवनिंग बोलेंगे. डोंट से यस्टरडे इवनिंग. लास्ट इवनिंग लास्ट नाइट. ठीक है ना. कल रात कल शाम के लिए यस्टरडे नाइट एंड यस्टरडे इवनिंग नहीं कहते हैं. लास्ट इवनिंग लास्ट नाइट लिख लीजिए. राइट डाउन. राइट डाउन दोस्त बनाए. ठीक है ना. काम करेंगे इस महफिल की आखिर में मैं वो लिंक दूंगा. रुकिएगा उसके लिए. उस लिंक के लिए आखिर में वो लिंक दूंगा उस वो वीडियो का जहां से आपको ये बुक्स के बारे में बताया जाएगा कि नोटबुक्स आपने कौन सी रखनी. ठीक है ना. सो नाउ व्हाट डिड यू डू लास्ट इवनिंग आपने पूछा. और अगर बंदा कहता है आई डिड वॉच टीवी लास्ट इवनिंग. आई डिड वॉच टीवी लास्ट इवनिंग. उसके आगे कुछ नहीं कहता है तो ये खलेगा. ये गलत जैसा हो जाएगा क्योंकि ये वही बात हुई कि हिंदी में जैसे कोई कहता है कि मैंने टीवी तो देखा. तो जब ऐसा कोई कहता है तो आपके मन में होता है कि कुछ तो बोलेंगे और वो नहीं कहते हैं तो खटकता है. सो डोंट से दैट. Understand? अब कुछ दिन पहले हमारे सेंटर में भी आए थे. वो भी हमको ये मतलब ही हैड कम द पर्सन हैड कम फॉर इंक्वायरी अबाउट आवर कोर्सेज एंड वी टॉक टू हिम एंड ही ऑल्सो इन समवेयर ही मेंशन दैट सिंपल पास्ट टेंस में तो ऐसे ही बोलना है. जब भी हम बता रहे हैं ये गलत वाली मिसाल. हमने उनको समझाया लेकिन थोड़ा सा उनको ये बात जमी नहीं क्योंकि सालों से उनको इसे बताया गया था. पता नहीं उन्होंने कहा भी कि हमारे सर ने हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे हमारे स्कूल में उन्होंने ऐसा बताया. कई गाँव में पढ़ते थे वो के उसके बाद में शहर आए थे. मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता. मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता लेकिन ये गलत होता है. और ये सोचो कि अगर आपने कहा आई डिड वॉच आई डिड ईट है ना, तो फिर ये बताइए कि जो सेकंड नंबर का वर्ब होता है एट वॉच्ड. अगर उसने कहा आई डिड ड्राइव अ कार. ओके ना. हमेशा कहते हैं आई डिड ड्राइव अ कार. व्हाट डिड यू ड्राइव व्हेन यू वेंट टू पुणे. आपने क्या चलाया जब पुणे गए थे. आई डिड ड्राइव अ कार. आई डिड ड्राइव अ कार कहता है तो फिर ड्रोव कहाँ यूज करेंगे. है ना. एक वर्ड एक शब्द है ना. एक वर्ब नंबर टू जिसको हम कहते हैं ड्रोव है ना. व्हाट डिड यू ड्रिंक एट द पार्टी. आई डिड ड्रिंक सम लेमनेड. आई डिड ड्रिंक सम लेमनेड अगर वो कहता है तो ऑब्वियसली आप ये सोचेंगे कि अभी कुछ कहेंगे आई डिड ड्रिंक सम लेमनेड बट दैट्स ऑल आई हैड. आई डिडंट ड्रिंक any alcohol. Yeah, I did drink some lemonade but it was not chilled. Thanda nahi tha. Hai na? Kuch to bole. Aur agar wo did drink hi kahega to did drank drunk drinking humne dekha. Char forms hum jisko bolte hain. To jo second verb hai drank usko kahan use karna hai. Usko use hi nahi karna. To kis liye hai fir wo. No. Jab ek aam taur se aap simple past tense bole to did ka prayog uska istemal na karein. सेकेंड नंबर वर्क कवर है. अगर आपको बोलना है कि मैंने कल पार्टी में लेमनेड पिया तो इतना ही कहें आई ड्रैंक लेमनेड एट द पार्टी. बल्कि अगर आपको ये भी कहना है कि मैंने लेमनेड पिया लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं था वो देन इवन देन यू कैन से आई ड्रैंक सम लेमनेड एट द पार्टी बट इट वॉजंट वेरी कोल्ड इट वॉजंट चिल्ड. लेकिन अगर आपको दबाव दे के बोलना ही है
तब कहीं जाकर के आप कहें आई डिड ड्रिंक सम लेमनेड बट इट वॉजन चिल्ड एट ऑल. आई होप सो ये मुझे बताना था आपको. ये आज के मेरी छोटी सी महफिल यही है. अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं. और हाँ, वो जो लिंक मैंने बताया था वो आपके बुक्स के लिए जो वीडियो है यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है ना, इस पर, और यहाँ से आपको लिंक कर मिलेगा. उसको क्लिक करने से वो वीडियो खुल जाएगा और वहाँ पर आपको बुक्स के बारे में बताया गया कि कौन सी नोटबुक्स आप मेंटेन करें ताकि जैसे आप इस हमारे इंग्लिश आम प्रोग्राम में आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको और चीज़ें लिखने के लिए मिलेंगी, तो आप लिख सकते हैं. ओके, आज की ये छोटी सी महफिल यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसको यहाँ पर अंजाम पे लाते हैं. और अभी तो सिंपल पास्ट टेंस हमने शुरू किया, सो बहुत जल्दी इसके बाद वाली हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और काम करना बहुत बाकी है. एंड वी विल मीट अगेन. इन द मीन टाइम आपसे दरख्वास्त है कि आप शेयर करें आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों में, आपके सोशल सर्कल में, प्लीज़. एंड लाइक करें. ओके, लाइक का बटन है ना, उसको लाइक करें. ओके, एंड दैट्स इट फॉर दिस महफिल. आई एम बैक विथ यू वेरी सून. एंजॉय लाइफ गाइज, बट फॉर गॉड्स सेक डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक. ओके, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें. अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो और तरीके हैं ना, उनको अपनाइए. ये तंबाकू, ये पान चबाना दांतों को, सत्यानाश करना दांतों का, और ये शराब और ये सिगरेट है, कोई मतलब नहीं होता. लेकिन डू समथिंग वर्थ वाइल, ओके, जिससे आपको थ्रिल मिले. दैट्स इट. ऑलराइट, आई बी बैक विथ यू वेरी सून. अंटिल देन आई नश बियानी विशिंग यू गुड बाय. नमस्ते. खुदा हाफिज़. Put in English arm.